बिहार के आरा में डांसर और भोजपुरी गायक को हथियारबंद बदमाशों ने गोली मार दी है। बर्थडे पार्टी से प्रोग्राम खत्म कर वापस लौट रहे डांसर और गायक को बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने घेर कर गोली मारी है। जख्मी हालत में दोनों को सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि जबरन नाचने का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी है। पुलिस के मुताबिक आहापुरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के बेटे की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें डांसर नीलू और सिंगर मुकेश आए हुए थे। यहीं पर कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर पहुंचे। इन लोगों ने डांसर के साथ जबरदस्ती डांस करने की कोशिश की। इसका विरोध सिंगर और डांसर ने किया। इसके बाद हंगामा होने लगा। उस वक्त मामला शांत कराया गया। इसके बाद डांसर और सिंगर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान संदेश थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास हथियारबंद 5 बदमाश बाइक पर आए और उन्होंने डांसर के साथ गाली गलौज की। इसके बाद डांसर पर फायरिंग कर दी। बीच बचाव में आए सिंगर पर फायरिंग कर दी। दोनों को घायल हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। गोली लगने से जख्मी हुई डांसर नीलू उड़ीसा के भुवनेश्वर की रहने वाली है। वहीं भोजपुरी गायक मुकेश पटना जिले के धनरुआ के मूल निवासी है, लेकिन पिछले 10 साल से वो भोजपुर के संदेश में रह रहे हैं। गोलीबारी की इस घटना पर पुलिस का कहना है कि आरोपी समेत पंचायत समिति सदस्य रणवीर शाह घर से फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरा में इन दिनों क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 13 दिन में 10 हत्याएं हो चुकी हैं। हाल ही में एक जमीनी विवाद में पिता पुत्र समेत 4 को जख्मी किया गया था। इसके बाद डांसर और सिंगर को गोली मारने की वारदात हुई है। इन घटनाओं ने आरा पुलिस के साथ ही बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। हम प्रोग्राम के लिए तो गए थे, वो लड़के लोग कौन थे हमें पता भी नहीं था। इनके पार्टी की तरफ से बस वो लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोग जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, जब हम आए तो आगे मतलब वो लोग अटक मतलब खड़े हुए थे सामने। हमें लगा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लगा भी नहीं। जब हमें रोक के खास करके मुझे और उनको आकर बोला कि उसने कि आप मुझे जानते हो, मैं नहीं जानते हम लोग, तो उसी में गोली मार के वो चले गए। अपने लोग के साथ कुछ गलत काम भी हुआ था ना रास्ते में? ना। नाच पार्टी के दौरान ना। अचानक मार दिया? मतलब प्रोग्राम जैसे होता है, लड़की लोग अगर नाचेंगे, अगर लड़के लोग शराब पीकर वहाँ पे कुछ हो, उनमें अगर कुछ गुस्सा आया होगा तो हम नहीं बता सकते हैं ना। ऐसे तो कुछ पर्सनल झगड़ा नहीं हुआ था वहाँ पे। नाच के दौरान नहीं हुआ? नहीं। तो वो नाचने के लिए स्टेज पे चढ़ा भी था क्या? हाँ, चढ़े हुए थे, नाच भी रहे थे। मतलब वो लोग जो बंदूक पकड़े हुए थे वो भी हमें देख कर नचा रहे थे। उसके बाद आप लोगों ने विरोध किया था उसे? हम लोगों ने मना किया कि हम नहीं करेंगे, और बार बार वो नीचे भी बुला रहे थे हमें नाचने के लिए। हम मना भी कर रहे थे, शायद उसी बात का गुस्सा लेकर वो एक उन्होंने किया होगा, घेर के मारा। क्या नाम है तुम्हारा? नीनू।